नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ईस्ट लंदन की कैनिंग सिटी में रहने वाली 25 साल की हसना बेगम को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर के आरोप में सोमवार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। हसना ने अपने 23 साल के बॉयफ्रेंड पेट्रो सना की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी कि वह किसी और लड़की को डेट कर रहा था। कोर्ट में हसना ने बताया कि पेट्रो के मर्डर से करीब 6 महीने पहले ही उसका पेट्रो से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वे अब भी नहीं चाहती थी कि पेट्रो के किसी और लड़की से रिलेशन हो। मामला बीते जून महीने का है। एक शॉप में असिस्टेंट का काम करने वाली हसना का पेट्रो सना से अफेयर था। पेट्रो पार्ट टाइमर डीजे था। दोनों की मुलाकात साल 2015 में एक पार्टी के दौरान हुई थी। इनके बीच करीब 1.5 साल तक अफेयर चला। पिछले साल दिसंबर में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके करीब 6 महीनों बाद ही हसना को पता चला कि पेट्रो सोशल मीडिया के जरिए किसी और लड़की को डेट कर रहा है। हसना को यह बात इतनी नगवार गुजरी कि उसने पेट्रो के मर्डर का प्लान बना लिया। इसके लिए उसने 23 जून को पेट्रो से बात की और मिलने के लिए फ्लैट पर बुला लिया। पेट्रो से बातचीत के दौरान ही हसना ने अचानक ही उसके सीने में चाकू ठोंक दिया। इसके बाद उसके सीने गर्दन में लगातार 36 बार चाकू ठोंक कर मौत के घाट उतार दिया। पेट्रो का मर्डर करने के बाद हसना उसका मोबाइल लेकर घर से भाग निकली और मोबाइल से हुई बातचीत व मैसेज के सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। हालांकि पेट्रो के गायब होने के बाद उसके भाई ने तलाश शुरू की और इस तरह पेट्रो की हसना के घर से डेड बॉडी मिली। सजा से बचने के लिए हसना ने एक झूठी कहानी रची और पुलिस को बताया कि पेट्रो उसकी जान लेना चाहता था। पेट्रो ने उसके सीने पर लाभी मारी थी और अपनी जान बचाने के लिए उसने पेट्रो के सीने में चाकू ठोंक दिया। जब कोर्ट रूम में वकील ने हसना से पूछा कि अगर उनसे यह क्राइम आत्मरक्षा के चलते हुआ तो उन्होंने पेट्रो को 36 बार चाकू क्यों मारा, इसके जवाब में हसना ने बताया कि उसने पेट्रो के सीने में सिर्फ 3 बार चाकू ठोंका था। हालांकि मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हो गई थी कि पेट्रो के शरीर पर 36 बार चाकू मारे गए। उसकी बॉडी पर 12 जख्म तो साफ तौर पर ही दिखाई दे रहे थे। आखिरकार कोर्ट ने हसना को 20 साल की सजा सुना दी।